इवनिंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी, जिसके लिए मैंने ये सारी मिक्स भाजियाँ मैंने जो कट कर ली है। इसमें चावल है जो कि पुलाव वाला, जिसको मैंने भिगा के रख दिया था 3-4 पानी से धुलने के बाद, तो भीग चुका है। और मैंने इधर बॉयल करने के लिए पानी रख दिया था जो कि बॉयल हो चुका है काफ़ी। इसमें तेज़पत्ता और नमक और घी मैंने डाल के इसको बॉयल कर लिया है। अब ये चावल मैं इसी में डाल दूंगी। के लिए ढक के पका लेंगे। तो मैंने चावल को कुछ टाइम के लिए ढक दिया है, बीन्स भिगा दिया था जो भीग चुके, और पानी में से मैंने निकाल लिया है। और मैं अभी मसाला तैयार करती हूँ। तो मेरा पुलाव के लिए चावल रेडी हो चुका है। अब इसको मैंने चावल को ऐसे निकाल लिया, छान लिया एक छन्नी में, देखिए एकदम खिला खिला चावल हुआ है। तब चलिए मसाला तैयार करते हैं। देखिए ये सोयाबीन है जो कि मैंने इसको भिगाया था, और उसके बाद भीगने के बाद इसको निचोड़ लिया था। फिर इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची थोड़ा दरदरी कुटी हुई, और पुदीना की पत्ती, हरी धनिया, दही और बिरयानी मसाला, और धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब इसको दही के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसको 15 से 20 ये मसाले लिए हैं, जिसमें कि जीरा है, दालचीनी है, काली मिर्च है, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है पुदीना की पत्ती, धनिया, और ये कांदा है जो कि इसको भून के निकालेंगे, और ये हरी मिर्ची जो कि मैंने बीच में से ऐसे कट कर लिया है, और रफली चॉप किया हुआ कांदा, और ये सारी मिक्स भाजी है। इसको तो मैंने मिक्स करके रख दिया है मसाला तैयार करके। अब चलिए फटाफट रेडी करते हैं, बनाते हैं। कांदा मैंने फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिया है, मैंने निकाल लिया है, ब्राउन कलर का भून गया, इसको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में, और तेल में फिर से मैंने डाल दिया है कांदा रफली चॉप किया हुआ, और जीरा और हरी मिर्च, सारे मसाले मैंने डाल दिया इसमें, जिसमें कि आपको हमने दिखाया है तेज़पत्ता, दालचीनी, खड़ी और बड़ी इलायची छोटी। कांदा ऐसा भून गया है, अब इसमें डालेंगे ये मिक्स किया हुआ। तो गाइज, अभी इसको पका लेंगे अच्छे से, उसके बाद ये सारी भाजियाँ डालेंगे। मेरा मसाला पक गया है, ये देखिए तेल वेल छोड़ दिया है, अब इसमें डालेंगे भाजियाँ। अब इनको पका लेंगे। सब्जियाँ पक गई हैं, अब इसमें सब्जी है नीचे, उसमें एक लेयर में चावल डालेंगे, भून के रखा था। और इसमें धनिया की पत्ती, और पुदीना की पत्ती, फिर उसके बाद ये सब्जी फिर से लेयर लगाएंगे। उसके बाद फिर से ये बचा हुआ चावल, इसकी लेयर लगाएंगे। और भुना हुआ कांदा, ये खाने वाला फूड कलर है जो कि मैं बीच बीच में डाल दूंगी, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। रुको,
अब गाइस इसमें अब थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये मेरी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है, कुछ इस प्रकार दिख रही है बनके रेडी होने के बाद। अब इसको ऐसे ऐसे करके साइड साइड में से करके मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे एक प्लेट में। ये देखिए कितना खिला खिला बना एकदम मस्त में। और इसके साथ मैंने ये कचुंबर बनाया है दही में मिक्स करके, जिसमें सारा सलाद वो है, ये देखिए।